आइए बहू रानी। तो मैंने पहना अपनी शादी का लहंगा, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं। ये रहा गिफ्ट करवा चौथ का। मम्मी बताऊंगी, कल मैंने बताया था कि मॉम ने और मेरी मम्मी ने क्या क्या गिफ्ट दिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ। एंड मेरी करवा चौथ की स्टार्टिंग हो रही है मेरे शूट से, मतलब शूट करवा चौथ का ही है, और मेरे नेल से, क्योंकि मैंने नेल्स कराए थे। खैर ये चल जाते हैं, लेकिन आपको पता है कल से हमारा बैक टू बैक काम है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग 5-6 दिन तक है ही नहीं दिल्ली में, इसलिए मैंने सोचा भाई सब कुछ करवा के जाती हूँ, अदरवाइज मेहंदी हट गई और ये रेड रेड रहा और ये नेल्स भी निकल गए तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो भैया आ गए हैं, दूसरे भैया भी आ गए हैं, दोनों काम कर रहे हैं। मेरी मेकअप आर्टिस्ट 10 बजे आएगी, तब तक मुझे अपने 2-3 शूट खत्म करने हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लखनी व्लॉग्स। आज है हमारी लाइफ का पहला करवा चौथ मेरा और नीतू का। नीतू आई गेस क्या करा रही है नीतू, ये नीतू अपने नेल करा रही है जो कि हर हफ्ते में 2-3 बार होते हैं। और सुबह सुबह मेरी सासू माँ ने मेरे लिए पराठे बना के भेजे आलू के, जो कि मैं खाने वाला हूँ। शक्कर जो कि मेरा परम मित्र मेरे लिए लेकर आए थे विद दही। देखिए मम्मी जी क्या करा हुआ इस रूम का हाल, देखा आपने ये सब। तो इसने शादी का लहंगा भी बेड में घुसा कर रखा है। मुझे नहीं पता क्या क्या निकाला। अरे आपने बड़ी तगड़ी आज मांग भरी है, देख ले ये कैसे भरी है। ये तेरे पापा है। हाँ? कुछ ज्यादा भयानक नहीं भर दी। नहीं। मांग तो देख मम्मी के एक बार। हाँ, देख ली। सूखा अच्छा वैसे ही भरा जाता है। मैं भरूंगी। हाँ तो भर ले। अच्छा तू ना अभी भी रेड, भी रेड। नहीं ये रेड तो सिर्फ पूजा के लिए 10 मिनट के लिए पहनूंगी, इतना हैवी नहीं पहन पाऊंगी ना ज्यादा देर। उसके बाद पिंक लहंगा पहनूंगी। अरे ये सब क्यों करा तू, मुझे ये बता दे। कपड़े बहुत सारे मैं अलग अलग पहनती रहूंगी। ये क्यों करा तूने ये बता दे। ढूंढ रहे आओ लगन जल्दी। आइए बहू रानी आ गए हैं घर पर वापस। और मम्मी तो उधर है घर पे। और कौन मिलेगा दीदी, होगी बोला था वैसे छोटू पकड़ना। सुबह मॉम ने मुझे बोला था कि तू कुछ खा लेना, फ्रूट्स खा लेना या जूस पी लेना, लेकिन मैंने अपने लक्सू के लिए कुर्बानी करी। मैंने सिर्फ उल्टा पानी पिया जो रात में मैं सोख करवाती हूँ, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। शाबाश बेटा। और अच्छी बात यह है एक बच चुका है, मुझे कोई चक्कर नहीं आ रहा, मुझे कोई वीकनेस नहीं लग रही फर्स्ट टाइम। अच्छा मुझे वो पावर लग रही है। ऐसा होता है ना कि पति के लिए अगर कोई अपनी पत्नी सैक्रिफाइस करती है तो मतलब कुछ ऐसी होता है, एक बहुत बड़ी लाइन है। तो ऐसा कुछ है तो सच में मुझे वीकनेस फील नहीं हो रही, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा सपोर्ट सिस्टम बन गए हमेशा। मैं भी तो हाँ, तू चक्कर आएगा तो मैं ऐसे ऐसे तेरे पास खड़ा हो जाऊंगा, तेरे को गिरने नहीं दूंगा। ठीक है ओके, अपना मेहंदी दिखाओ जो मैंने। तू मेरे से लंबी लग रही, तूने इतनी लंबी वाली। नहीं लंबी नहीं लग रही मैं, लग तो रही है यार। अपनी वो दिखाओ क्या क्या है मेहंदी। तो देखो गाइस कल यार इसका कोई इलाज है, है कोई इसका इलाज नहीं। नमस्ते। पागल नहीं है क्यों? नहीं आशीर्वाद देना चाहिए तेरे को, थोड़ा अजीब लगता है। नहीं नहीं देखिए इसको, इसको टाइट कर देना गाइस। आप ये देख सकते हो कल नीतू ने खुद ही ये मेहंदी लगा दी, इसको टाइट करना है मेरे हाथ पर। आप आशीर्वाद देना नीतू कि मैं आपके तरह बच्चा बुद्धि लूं। बच्चा बुद्धि रहे आपकी तरह बच्चा बुद्धि लूं। दीदी भी नहीं होगी ना अभी, तो वो ऑफिस चली गई होगी अपने। पूजा एक घंटे की नहीं होती भाई। पहन लेती अपने शादी वाला जोड़ा, फिर पिंक पहन लूंगी तुरंत। शाम को रख देते, कौन सा पहनेगी शादी वाला? हाँ ये पिंक ही पहनूंगी जो भी पहना। फिर मंदिर पर भी चलेगी वो पिंक पहन के चलूंगी। हाँ तो मंदिर पर चलेंगे यहाँ से 4-5 बजे के करीब। 5 बजे चलेंगे, 5 बजे मंदिर पर चलेंगे। फिर नहीं भीड़ तो वहाँ 4 बजे शुरू हो जाती है। हाँ 7:30 बजे 5 बजे हमारी लाइट चलेगी, पिक्चर भी आएंगी। ठीक है आप सोना मत। अरे नहीं सोनी तैयार ना होंगे, बना रही है। हाँ ठीक है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं पिंक लहंगा पहन रही हूँ। ठीक है पूजा होगी तो मैं लाल चेंज कर लूंगी। अभी हम घर पर पूजा करेंगे, लोटे बदलेंगे, हमारा लोटे बदले जाते हैं चेंज होते हैं कहानी से कहते मैं। ठीक है कहानी कहेंगे, फिर हम चाय पी लेंगे जो भी तू खावे। मैं जूस पी लूंगी, जूस पी लिए फ्रूट्स खा लिए। ठीक है फिर उसके बाद में आज बनेंगी कचौड़ी पकौड़ी सब्जी गोभी पसंद आएगा है नहीं तो। ठीक है वो फिर चलेंगे मंदिर पर। हाय गाइस, तो मैं बताऊंगी कल मैंने बताया था कि मॉम ने और मेरी मम्मी ने क्या क्या गिफ्ट दिया करवा चौथ। ओके तो ये रहे दोनों गिफ्ट। सो पहले मॉम का गिफ्ट, मॉम ने ये बहुत ही प्यारे से मुझे बाली क्या बोलते हैं इसको, मैं बुंदे बोलती हूँ बट मॉम ने ये दिया है बहुत ही प्यारा सा, ये क्या बोलते हैं इसको, झुमके दिए हैं बहुत ही प्यारे से। ओके अब देखते हैं दूसरा क्या है। फिर है ये बॉबी ब्राउन का पाउच, पाउच के अंदर मैं लिपस्टिक रख देती हूँ, पिंक कलर का क्यूट सा पाउच मॉम ने दिया है। फिर दिए मॉम ने फेवरेट, ये वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कलर है इस लिपस्टिक का, मतलब मेरा फेवरेट कलर है, मॉम ने ये दिया है। उसके बाद ये रेड कलर दिया है, पक्का रेड जैसा मॉम लगाती है, मैं नहीं लगाती ऐसा रेड बट कभी कभी लगा लेती तो ये। उसके बाद मॉम ने दी है ये छन्नी जिससे मैं निहारूंगी,
और ये लोटा। अच्छा यहाँ पर तो दिया रखते हैं, लोटा अलग है। और ये प्यारी सी थाल, बहुत ही सुंदर सी साड़ी, रेड कलर की साड़ी, और इसका ब्लाउज देखो कितना सुंदर है। ये है इसका ब्लाउज। ये साड़ी मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, जब मैं पहनूंगी तब दिखाऊंगी। ये है सुंदर सी साड़ी। थोड़ा सा थक गई हूँ मैं, बोलते बोलते प्यास लग रही है, इसलिए अब प्यास लग रही है। तो ये है, ये था मेरी ससुराल वालों की तरफ से। अब मैं दिखाती हूँ अपने मायके वालों की तरफ से। पूनम दीदी अभी कह रही है फोन करके, आ रही है, कह रही है कि जइयो मत, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आ रही हूँ, पता नहीं कब लेकर आएगी। अब है मायके वालों की बारी। ओके, तो जो मम्मी ने दिया है, पहले तो ये मम्मी ने बहुत ही प्रिटी सी साड़ी, जिसको मैं नहीं दिखाऊंगी, अब मैंने खोली भी नहीं है, क्योंकि मैं ये दोनों साड़ी पहनूंगी। ओके, आई मीन पहनूंगी जब, तभी दिखाऊंगी। तो ये है बहुत सुंदर सी रेड कलर की साड़ी। फिर मम्मी ने क्या दिया है, इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इट्स अ मिस्ट्री बॉक्स एवरीबॉडी। ठीक है, इससे मम्मी ने दिया है लोटा, प्यारा सा लोटा, अगरबत्ती, और ये प्यारे से बिछुए हैं। बिछुए बड़े अलग दिए हैं यार मम्मी ने। मम्मी को पता है मैं मोटे बिछुए पहन नहीं पाती हूँ, मतलब मेरे को ना छुपते हैं शू में और हील्स में, तो मम्मी ने ये बिछुए कैसे दिए हैं, लेट मी सी। ओह, नज़र बट्टू वाले, मतलब नज़र ना लगे वो वाले बिछुए दिए हैं, तो मैं आज इनको सबको पहनूंगी, क्योंकि मामले बोला था जो भी ससुराल की मायके की साइड से आता है वो सब पहनना है, तो मैं ये पहनूंगी बिछुए। बहुत ही सुंदर लग रही है छन्नी। ये दिए मामले लिपस्टिक, ये दिए मामले थाल। ओके, ये दिया मम्मी ने सिंदूर, ये दिए मम्मी ने चूड़ियाँ और मेहंदी। ये मेहंदी मुझे थोड़ी लगानी पड़ेगी मेहंदी, क्योंकि कल से दे रखा मैंने लगाई नहीं। बिंदी, मिरर। अब आते हैं मेन चीज़ पे। तो मम्मी कल बता रही थी कि बहुत स्पेशल एक चीज़ दी है, सबसे पहले ये देखते हैं। इसमें है पायल। वाओ, मुझे पायल पहनना बहुत पसंद है, बहुत। बाथरूम में रखी है बट पिंक कलर वाली। ये मम्मी ने दी है पायल, इसको गले में नहीं पहन सकते, पायल है तो पैरों में पहनेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एवरीबॉडी, ये दिया है मम्मी ने। मम्मी कह रही थी काला धागा बनवाऊंगी, काला धागा बनवाऊंगी, मुझे नहीं पता था काला धागा इसकी बात हो रही है। देखो दीदी, तुझे तो पता ही होगा ये काला धागा दिया है। तू तो जा रही थी मॉल, मम्मी ने ये इसलिए दिया है, मैं बता दूं, क्योंकि मेरे को बहुत नज़र लगती है, मेरे को चक्कर आने लगते हैं। तो मम्मी कह रही थी मैं तेरे लिए काला धागा बनाऊंगी, तेरे करवा चौथ पे दूंगी, मुझे नहीं पता था सोने का कुछ दे देंगी, बहुत सुंदर लग रहा है। और मम्मी ने दिया है ये प्यारा सा दुपट्टा, बस यार कुछ है बस ये दुपट्टा। लेकिन सबसे पहले मैं ये पायल पहनूंगी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और आई विश मेरी अभी पायल नहीं है, क्या है रोहित कह रहा पायल नहीं है, क्या है रोहित का, अच्छा काला धागा, सॉरी, मतलब इसमें सोने का भी आ रहा है ना पायल। अच्छा सेंड दीदी कर देना, क्या इसमें से क्या क्या है। मम्मी ने ये दिया है बस, ये और पायल। तेरे को इसकी जरूरत भी थी नहीं तो? इसकी बहुत जरूरत थी, ये वही ना नजर से बचाने के लिए। हाँ। तो ये भी सोने का बनवा दिया। हम्म, वाह। और कल को मैं चम्मच मांगूंगा वो भी सोने की आएगी फिर। अब देखो मम्मी ने बिछुए, बिछुए क्या होते हैं, ये वाले बिछुए निकालना मेरे। हाँ? पति देव निकालो तुम्हारे, तो मतलब देख तो ले दीदी, दीदी उसको पहले नीचे से वो करो, ऐसे मेरी एक्टिंग क्यों कर रहे हो। गाइस आपको लगता है लखन बहुत अच्छे पति हैं, आप देख लो जैसे मैंने बोला कैसे मुंह बना लिया। वैसे ऑफ कैमरा कर देते हैं, तुम ऑफ कैमरा तो बहुत कर देते हो यार। ले ले ले, ये इतना मुझे बदनाम करने के लिए पड़ी हुई है तू। मम्मी ने कुछ ज्यादा नजर बट्टू नहीं दे रही है मुझे बना रहा है। कौन सी में लगते हैं, खोलो इसको पहली वाली में जिससे उतारे उसी से ले, खोलो तो उसे, मेरी उंगली इतनी छोटी थोड़ी है। अरे अरे खा ले मेरी, ले अब नहीं उतरेगा ये, ठीक है थोड़ा और टाइट कर दो ताकि वो घूमे। ले वाओ, ये ले, ये लो अब दूसरा भी। एक एक पैर में थोड़ी पहनते हैं, ये निकालो पहले। अरे कैसे निकलेगा यार ये, निकालो निकालो निकल जाएगा। हाँ, और मैं अपने कानों के निकाल देती हूँ, मोम वाले पहन के देखती हूँ कैसे लग रहे हैं कान। यार जब भी कुछ गोल्ड का पहनो ना, उसकी वो जो पीछे की वो होती है ना बड़ी टाइट होती है, बहुत हैवी होती है। टाइट कर दिया। हाँ कर दिया। चलो अब खाना आ गया भाई, मैं खाना खाता हूँ। हाँ तुम्हारे तो किस्मत, मैं खाना खाता हूँ, मेरे लिए बता थोड़ी रखा है। ओके तो मैं छोटे देना, अब मैं मोम वाले कानों के पहनती हूँ। सूट के साथ अच्छे लगेंगे वैसे, पिंक पिंक है ना। बस आ जाए, मेरे कान में दर्द हो रहा है। भगवान अपने कान क्यों बनाए, कान में कुछ पहनने का नहीं बनाते। नहीं आ रहा दीदी, पहना दे प्लीज़। तो मैं पहन रही हूँ, और ये था मेरे ससुराल और मायके वालों का गिफ्ट। अभी मेरा भी आने वाला है, तू मायके वाली रही ना तुम भी
इसको मैंने बहुत जबरदस्ती बुलाया, आ नहीं रही थी। मैंने कहा प्लीज एक शूट करना है, बस एक शूट के लिए आ जा, तो आई है। तो मैंने पहना अपनी शादी का लहंगा, लेकिन मैंने इसमें एक चीज छोड़ दी जो इसका केन केन है। केन केन लेकर आना दिल्ली से, जो इसके अंदर था लाल वाला, ये है मेरा मनीष मल्होत्रा का लहंगा जो मैंने मेरा जो शादी का जोड़ा है। रख बंद कर, मैंने आज वही पहना है, बस अंदर जो केन केन है हैवी वाली वो नहीं डाली। और ये मेरी शादी वाली ज्वेलरीज, ये ज्वेलरी अच्छा था, ये सभी को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जो बेकार था वो थे इसके कानों के, बहुत हैवी बहुत ज़्यादा, और उसको पहनने में तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बाय गॉड, और यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरे को अभी फिट आ रहा है, मतलब मैं अभी भी उतनी पतली हूँ, मोटी नहीं हुई। तो आप देख सकते हो हेयर स्टाइल कितनी सुंदर लग रही है, लग रही है ना गाइस? आप बताना कमेंट से। यार मैं सोच रही हूँ पहनूँ ना पहनूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। मेरे को याद है मेरी शादी में मेरे कान लटक गए थे इनको पहनने के बाद, बट पहनना पड़ेगा। तो मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ जो मम ने दी थी आज, कल सिंदूर जो मम्मी ने दिया था मेरे मायके से, वो लगाती हूँ। और मैंने ना कानों में वो हैवी वाले नहीं पहने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी, मेरे कान लटक जाते हैं। सुधीर इसको कैसे खोलेगा, इसको खोल, गिराना नहीं। अब मुझे लखन, लो मेरी मांग भर दो जल्दी आके, लखन से अपनी मांग भरवाती हूँ। लो ये भर दो जल्दी से, इसमें लेना तब भरना। हम लोग हो रहे हैं रेडी, हो गया भैया? हाथ से भी ले सकते हो। अरे यार कैसे निकलता है ये? तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बस मस्कारा मस्कारा दे दो मनीषा। तुम्हें भी आज ना शादी वाले कपड़े पहनने चाहिए थे। ये क्या बात है, तूने मेरे को पहले बताई हो। वैसे सच में जिस दिन मैंने शादी का जोड़ा पहना था मैं घर पर ऐसे आई नहीं थी। कोई बात नहीं, आज आ जा चल। अब मेरे को बहुत प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा। पूजा के बाद पानी पीऊंगी। मैंने ये कहा आप चले जाओ, मेरी चुन्नी है ना रेडी, जब चुन्नी दोगे मुझे। अरे कौन कौन सुन रहा है गाने, बंद करा लो, कौन सुन रहा है? आप सिंदूर का सोच रहे होगे, लखन ने भरा और पूरा नाक तक गिरा दिया। इन पता ना बाप बेटा कुछ भी, अभी मेरा मेरे को ऐसे बना दिया अंगूर सब में खा रहा, दिखा दिखा खा रहा है। अब मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज, पूजा खत्म करते पानी पियेंगे। पानी पी लेता हूं। ये क्या नाला रहा, पानी पियो, पानी पियो, खाना खा लो, कर दे कर दे, डाल दे ना पानी। हां डाल तो गई, सुबह डालिए। हां मां चलो चल, ज्यादा प्यास लग रही है। हां तो फाइनली हम लोग आ गए हैं, और कैलेंडर निकाल लो। कैलेंडर निकाल रही हूं, बहुत ज्यादा थक गई मैं तो, आज थकान ज्यादा हो गई, थकावट। मम कड़वे आ रहे हैं, कड़वे हाँ जो भी बोलते हैं। ओके तो ये लगाना है माता जी की, क्या बोलते हैं इसको मम, क्या बोलते हैं इनको? माता जी की कैलेंडर, माता जी का कैलेंडर। अच्छा इसी में से पढ़ेंगे इतनी दूर से? ये तो बुक भी होती थी कहानी वाली। सोनी दीदी आ गई, सोनी दीदी का कोई नाम वगैरह नहीं है। एक जगह उसकी शादी होगी, कैसे लग रही है? तुम्हारी शादी है, शादी का ही लहंगा पहनते समझी, कारपेट निकाल रहे हैं, कारपेट निकाल रहे हैं। अब हम कहानी करने की तैयारी कर रहे हैं। अब नीतू आज कहानी पढ़ेगी पहली बार, तो कैसा लगेगा इसे? आ जाओ बैठो, ऐसे बैठो इधर मुकर के। अरे इधर बैठो, बैठो जैसे आराम से बैठ जा पहले, फूल फैल के। हां तेरी चुन्नी तो दो, चुन्नी जो चुन्नी रखो सर पे, अभी दे दे, तू बैठ तो जा, चुन्नी तो मैं लाई नहीं, बैठ रही हूं। कोई मेरी हेल्प करवा दो, कोई प्लानिंग नहीं है तुम्हारी, फिर हेल्प तो करवा, मेरी चप्पल बन रही है, छोड़ दो। आ तो बहुत ही अजीब है, भाई दे दे कर ऐसा। अरे हाँ हाँ पहला मतलब बस। अब अभी कल मैं, कल आप और मैं चलेंगे उधर, कहाँ शॉपिंग? क्यों आप मेरे को कपड़े नहीं दे रहे हो? लेकर किस चीज के? चलो भैया किसकी अलग ही कहानी चल रही है, अपने इसमें पल्लू में बांध लाइए चावल। कौन रहता है ना बांध में, गांठ भी मार ले, बाद में गांठ बांधना है, बाद में बांध लूंगी, लेकिन गिरी जाएंगे, बांध ही ले ये बांधनी है, चल मैं डाल के फिर रात को जब रख लगाना। तो आज कहानी कहेगी नीतू, सिरो इसे सिरो को लेके जा भाई। श्री करवा चौथ व्रत कथा, कार्तिक वदी चार को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजा व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, दीर्घायु
तुमसे ना हो पाएगा। दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के साथ पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को इनमें एक एक सिक्का डाल रही बस लहंगा पकड़ लो मुझे मतलब अब फिर खुद क्यों पकड़ा हुआ जाए मुझसे पकड़वाया तो मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अच्छा तो फिर पकड़वाया क्यों? चलो हम एक का सिक्का भी गिराना था नहीं अभी तो इसमें दोबारा भर के रखेंगे ना रात को चढ़ाएंगे। अच्छा बिल्कुल जल चलते दोनों, ये भी ये भी जल दे दिया हमने अब हम पानी पी सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ममता दीदी पानी दे दो बस एक गिलास अब मैं चेंज करूंगी पिंक वाला लेकर उसके बाद चलेंगे। आधा घंटा दे दोगे बस मुझे? आधे घंटे में अंदर चलेंगे। पानी पी जूस भी पी ले एक बार जूस पी ले ठीक है। हाँ तो इतने जूस बनवा ले छोटे नीचे बोल दिए जूस बना देंगे। ओके तो ये मेरी चुन्नी जिसको मैं संभाल के रखूंगी क्योंकि शादी के टाइम पर वो चुन्नी पता नहीं कहाँ चली गई ना वहाँ वो मेरी वो मतलब आएंगी थी मंडप तक तो पता नहीं इसको मैं संभाल के रखूंगी। मैं पहनूंगी पिंक वाला लहंगा इसका मुझे इंतजार है। कपड़े पहन पहन के खुशी है तुम? आज मैं खुश हूँ आज मैं खुश हूँ कपड़े पहन रही हूँ। अरे मामी नथ कितनी मुश्किल से गई है मेरे जा ही नहीं रही थी ऐसा होगी छिली सी पकी मेरी। हाँ तूने जबरदस्ती घुसाई है ना? हाँ घुस नहीं रही थी। ये देखो ये दिया मॉम ने पतले पतले है ना सही है ना चुभेंगे मैंने मैंने तो पहनाए थे। हाँ बड़ी मुश्किल है तो बैठिए ना बांध ये मुझे बुआ जी के जाएंगे जो मैं देती हूँ। अच्छा मैं फिर कंजी को जाया करेंगे कंजी के जाएंगे सास का होता है आप देख रहे हो बुआ जी जाएंगे ये दादी सारी हैं ना तेरे। अच्छा अम्मा नहीं है तो इसीलिए तो जाता है तेरी अब तक अलावा भी ना टूट रहा है हैं आज सारी जान निकल गई बहुत जोर मारने पड़ रहे हैं कलावे में भी ये बेजा अरे तेरी यही तो मतलब आ रहे हैं क्या है लेकिन ये अरे ये आएंगे भाई ये ये तो हमारे हैं मैं बुआ जी के अच्छा ये रहा गिफ्ट करवा चौथ का। मम्मी देखो आपको ऐसे मैं कुछ गिफ्ट नहीं लाऊंगा ये देखो ये मतलब उसका मतलब है बाकी दिन खाओ और त्योहार के दिन ऐसे जैसे आदमी नहीं है रोज तो पूरी कचौड़ी बना खा रहा है और त्योहार वाले दिन सूखी रोटी तो तुम्हारा ये है रोज करो 10-10 लाख की शॉपिंग आज करवा चौथ ही तो ऐसी रहने देता है। अरे ये तो रहा हाथ में लेके बैठी तो हो उधर दे मुझे क्यों दे रहा नॉन स्टॉप बोल दिया नॉन स्टॉप बोलना पड़ेगा। ले भाई ले ये है तेरा करवा चौथ गिफ्ट तुझे लगा मैं कुछ दूंगा नहीं तेरे को ये ऐसा सुना है टिप्पा 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 अरे 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 तो मैं पानी पी ले रुक जा। अच्छा ले मैं पी लूंगी ना ना पहले पी ले फिर जूस अरे जूस भी पी ले क्यों घर आ रही है चल तू इतने स्टार्ट तो कर उसको खोल ना। अच्छा कुछ बहुत स्पेशल चीज है ला भाई दिखाओ। ऐसा क्या आ गया मुझे हुलहुली हो रही है वीडियो बनाते बनाते मैं ले लूंगा देखे मारा मतलब कुछ मुझे पता है ये वो वाली पैकिंग है मारे आपको इसने गिलास ग्लास दिया है कुछ पैकिंग तो वही ग्लास ग्लास नहीं कप है कप वाली पैकिंग है ना देख तो अब बोल रहा क्या अपने बैग हो वो सही क्या था मम्मी डब्बे पे डब्बा डब्बे में डब्बा है डियोर के डब्बे के अंदर एलवी का डब्बा हां अब इसमें भी हो सके ऊंची का निकला इसमें मुझे कुछ ज्यादा बड़ी चीज दिख रही ना है। मम्मी का गैस मम्मी आप साथ में पैक तो नहीं कराया इसमें क्या होगा सीन होगा या बर्बरी होगा और सब लगन कुछ नहीं प्रैंक हुआ ना तो मॉम तुम्हें बहुत मारेंगी है मॉम। हाँ अभी जूता कहाँ है अरे रुक जाओ ये ऐसा थोड़ी है इसके अंदर होगा भाभी के लिए ये कुछ ना मजाक ही कर रहा है एक और पैकिंग मैं तो सोच रही हूँ कि पैकिंग कुछ पैकिंग है ओ यार पायल ये गोल्ड की पायल हाँ गोल्ड की है
कैसी लग रही बताओ? ओ बेटे ये तो वैसे है जैसे भाभी को ये चूड़ी इनकी चीजें बहुत शौक है इन चीज पहले इसको ना इसको गुस्सा करने के लिए इन चीजों के लिए इन चीजों के लिए तो भाभी ने तो जल्दी शादी करी कि चूड़ी पहन पाए क्या सिंदूर सिंदूर चूड़ी साड़ी ये तो मुझे पहनना ना आते हो क्या है यार अबे तो सीख लेता उल्टी बना लो लगन मम्मी पहना रही है सही मेरे को पायल पहनना बहुत पसंद है पहन के रहेगी ये बहुत सुंदर लग रही है ये बजने वाली है ना बजने वाली है नहीं ये वैसे बजनी भी चाहिए चल के देखियो पता चल जाएगी ना बजने की ये बजने भी अब मैं ले आया ये गोल्ड ही आर्टिफिशियल है डबल गोल्ड है हाई बड़ी तो और पता नहीं ना तुम डियोर का बैग लिया नहीं नहीं गोल्ड है गोल्ड है गाइस आप भी बताना कैसा लगा ये डियोर गुची एलवी ने ये सारा करा ना इनकी मेरे की चीज से चाहिए अरे ना कोई सारा कोई नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए बैग अभी ना लोगों ने ना मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स ने लखन को बहुत वोट ताने मारे थे कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए ये डियोर तो देव कर दिया अब मेरे ख्याल एक महीना हो गया मैं कोई ऐसी शॉपिंग नहीं करी चल सही है ये सही है ना अभी हम सेव कर रहे हैं इसलिए नहीं करी वरना तुम भाग जाओ दिखाने भूल गए हाँ मैंने लगाना भूल गई बहुत जल्दी जल्दी हो रहा अभी मैं लगा लूंगी देखिए नाक के ऊपर काले इसके चक्कर में तुमने पंगा बहुत छिल गई पूरी रेड हो रही है ये रेड इसलिए नहीं हो रही है सिंदूर लगा है अरे सिंदूर ना यहाँ सब ऐसे भी तो हो गई मोटी सी जैसे हाँ मैंने सही तो कहा पानी भी नहीं पिया स्ट्रॉबेरी वाला ही जूस बनना है हाँ हाँ लो पानी पीने दो आप भी कभी मैं कैमरा में दिखने के साथ पानी सुबह से अब दोनों ने पानी पिया है सुबह से कैसा लग रहा है बढ़िया पियो 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 पीते जाओ आज पानी की वैल्यू समझ आ रही है टेस्टी लग रहा होगा पानी भी आज साथ में मंगाया जूस नीतू के लिए बहुत अच्छा लग रहा है क्या अमृत पी लिया अमृत मिल गया आज अरे उसका जूस उठा के पी गया तो पियेंगी ग्रत इसका भी है संग में भाभी के लिए रखा दिखा तू ना भाभी की लंबी उम्र के लिए वो तेरा कुक जा पीछे पीछे कहाँ जहाँ पे भी तू खाए वो जाके बना दे फिर तू खा ले नहीं वो तो लखन खाते हैं मैं नहीं तू भी नहीं नहीं लखन बताओ माम को हाँ खाती है भाई भाई ऑफिस बात पलट दी एकदम नहीं मुझे ब्लॉग देख के याद आ गया जूस पी के थोड़ा सा अजीब अजीब सा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं अब मैं अपना लहंगा चेंज कर दूँ सुबह से मैं बोल रही पिंक पिंक अब मैं पहनूंगी पिंक कलर का लहंगा आओ लक्सू चलो ये लहंगा मुझे डर लग रहा था कि बहुत हैवी होगा ये होगा वो होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं था लखन अब तुम्हें पिंक पहनना है तीन तूने कपड़े चेंज करा दिए सुबह से अब तुम्हें पिंक तीन नहीं ये दूसरे यार फास्ट तेरा नींद मुझे आ रही है बट मुझे नींद नहीं आ रही है यार ऐसा होता है नींद तुझे आती कहाँ दिन में हाँ कभी कभी आ जाती है ऐसा भी नहीं कि मैं कोई वो थोड़ी हूँ भगवान थोड़ी हूँ कि मैं कुछ नहीं आएगा मुझे मैं ऐसी ही रहूँगी कभी कभी आ जाती है तो यार देखो शादी की ज्वेलरी शादी का लहंगा बड़ा अच्छा फील हो रहा है फाइनली अब मैं खोल रही हूँ अपना शादी का जोड़ा क्योंकि अब मुझे पहनना है लहंगा और सच में ये हैवी है लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अभी भी फिट हूँ यार मेरे को ये आ गया क्योंकि मुझे लग रहा था मैं मोटी हो जाऊँगी देखो अभी भी लूज़ है मुझे मैं मोटी हो गई और ये भैया ये भी नथ कभी निकाल दीजिए बट मैं फिट हूँ अब मैं ये अपनी हैवी ज्वेलरी और उतार लूँ गाइस आज का चौथा आउटफिट मेरा है लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ सिर्फ ऊपर से बदल रहा हूँ हाँ मम्मी कहाँ हो हाँ हाँ बस आ गया नीचे और नीचे हम यहाँ से निकल गए नीतू की भी चौथी ड्रेस है अपने साथ मुझे भी मैच कराया जाएगा भाई मम्मी थोड़ी नाराज हो गई मैं बहुत लेट पहुंचा था घर पे इसलिए यार लगन मुझे शर्म आ रही है आ जा शर्म आ रही है हमारी दुल्हन को प्यारी लग रही है सच में बहुत प्यारी बात है क्या कर रही है पैर से अरे ये सही कर रही है ऐसा मम्मी को शर्म आ रही है इधर पहुंच जा तू आज मैं बहुत और बोलती ना जितनी ज्यादा बोलेगी उतनी सामने छाप जाएंगे सब ओ माफ जाओ मैं तो इधर ही हूं ओ माफ जाओ मैं तो क्या नहीं मैम मैंने बहुत ज्यादा ओवर कर ली चल यार मैम मैंने सच में बहुत ज्यादा ओवर ही कर लिया है अरे ये एक बात बता हम मतलब 30 साल के अपने तरह से बैठे तू तो नहीं नहीं है पागल ओके ये तेरा पूरा खराब नहीं हो जाएगा नहीं होगा अरे नहीं होगा ये छोड़ दे नमस्ते राम राम भैया मैं तुम्हें आ गया हूं ताकि लोग मुझे देखना पड़े हैप्पी करवा चौथ हैप्पी करवा चौथ हैप्पी करवा चौथ आ जाओ
और नीतू की रील बन रही है, मम्मी का ट्रेडमार्क है, रील बनती है बस उनमें चल रही होती है स्लोमो में और पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, चलते हुए जरूर बनती है मेरी, देख ले हर जगह चलते हुए जरूर बनानी है। गाइस हम घर पर आ गए और नीतू को भूख नहीं लग रही, मुझे लग रहा है उसकी भूख मेरे अंदर आ चुकी है, मुझे आज इतनी भूख लग रही है पता नहीं क्यों। यस नीतारा, तो सुधीर का निकलने का टाइम हो चुका है। सुधीर भी जा रहा है? नहीं नहीं, सुधीर अपनी वाइफ के साथ जा रहा है और कह रहा था कि मैं जब चांद होगा उससे पहले ही पहुंच जाऊंगा उसके पास। तो सुधीर जरा, सुधीर के लिए, उसकी वाइफ के लिए मैंने कुछ मंगवाया था, अभी दिखाती हूँ। ओके, बहुत भारी हो रहा है यार, बैठ जा आराम से। तो ये है सुधीर के लिए, नहीं है ये सुधीर की वाइफ के लिए, ये मेरी साइड से, ठीक है। इसमें साड़ी, उसको बहुत अच्छी लगेगी, साड़ी दिखाए सबको, ले साड़ी दिखा, ऐसे दिखा दे ओपन करके, बस ये साड़ी ली है। सुन पैसे ना इसी के अंदर रख, साड़ी के कहीं तू ले ले पैसे, टेप लगा ले इस पे, टेप लगा और ये ले जाओ उसके लिए, ठीक है। अब तू निकल जाए, इसकी कैप करा दो भाई, ये निकल जाएगा फिर इसको चांस, और परसों आ जाना सुबह क्योंकि हम लोग नहीं है और इसके अलावा तो कोई। तो पूनम दीदी आई है गिफ्ट्स लेकर मेरे लिए और लखन के लिए, पहला करवा चौथ का गिफ्ट पूनम दीदी भी लेकर आई है, मम्मी ने तो दिया दिया, पूनम दीदी ने भी दिया है, देखते हैं क्या लेकर आई है, दिखा दे लक्सू, आ जाओ जल्दी यार गिफ्ट लो, हमें निकलना है, इतनी भागा दौड़ी हो रही है ना, कल सुबह हमें 5:30 बजे घर से निकलना है, पैकिंग पूरी नहीं हुई है, पूरी स्टार्ट नहीं हुई है अभी तो यार। इधर आओ दोनों साथ में, आओ ले आगे साथ में, ये तुम दोनों के गिफ्ट निकाल के देख लो इसलिए, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट करवा चौथ है ना इसलिए। अच्छा, हाँ सेकंड वाले थर्ड वाले फिर नहीं दूंगी मैं, बस फर्स्ट पे। मेरे लिए लाइए साड़ी। हाँ तेरे लिए साड़ी, तेरे लिए कुर्ता पजामा, बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत क्या हालत हो गई यार इसकी, थैंक यू। कैसे रख के लाइए ये, हालत खराब हो गई इसकी थोड़ी, स्ट्रेट करो यहाँ से। अरे खोल तो भाई इसको, टैडी को देखो, टैडी को जिप का इसकी, ठीक है भाई। अरे ये रही यार पूनम बहन, सॉरी ब्रो, दिखा। वाओ वाह, अब इनको पता है कि मैं ट्रेडिशनल ज्यादा पहनने लगा हूँ, सॉरी गुची लगी तो नहीं, मैं तो आपके इसको मैं पहनूंगा किसी खास मौके पे, थैंक यू यार कलर बहुत प्यारा है, थैंक यू यार भगवान ऐसे बहन भाई देता रहे, थैंक यू, बहुत बढ़िया। मेरी नथ में टच करना दर्द हो रहा है, नाक में डाल के रखो कुछ ना कुछ। अभी अब हम लोग सीधे ऐसे जाते हैं, चांद निकलने वाला शायद जल्दी से जाके, फास्ट ब्रेक होगा, भूख नहीं लग रही, फास्ट ओपन, सॉरी टेंशन हो रही है कल की ट्रिप, पैकिंग नहीं हुई क्योंकि बिल्कुल, चलो लेट्स गो। तो अब चांद का वेट किया जा रहा है, चांद जी कब आएंगे पता नहीं। मम्मी लेटी क्यों, वीकनेस हो गई, कुछ खाया ना आज पूरे दिन, मैं बोला मूवी उतर गया बिल्कुल, अच्छा बहुत अब वीकनेस हो जाती है आपको, मेरा ना तबीयत खराब होकर चांद से निकल गई, मैं खाना खाओ जल्दी से वो करके ना, कंजे को ऊपर जाके चांद देखे आ गया हो तो यार मम्मी को, ऊपर ही है ना कौन दोनों, उनकी ड्यूटी लगाई हुई लकी रिकी और विक्की की, तो इसका पक गया है इसका जबकि नाक नहीं यार, अच्छा लग रहा है, अरे तो दर्द हो रहा था वहाँ, पहनने में दर्द हो रहा, पहनने के बाद कुछ भी नहीं पता चल रहा, मानेगा ही नहीं भाई। तो हमारे भाई आज बहुत दिन बाद आप देख रहे हो भाई, नमस्ते, मम्मी की तो भाई वीकनेस और हो गई है ना, व्रत नहीं रखा गया पूरा क्योंकि अब भाई अब तो 4 दिन पहले तो बॉडी सपोर्ट नहीं करते नहीं, हाँ उसके है ना ये कोविड के बाद से लोगों की ना इम्यूनिटी सिस्टम जो थोड़ा सा वीक हो गया है। अच्छा उसके बाद मुझे लगा जो कोविड की जो वो जो थे ना जो वैक्सीन जो थी उसके बाद में और ज्यादा दिक्कत हो गई। नमस्ते, खुश रहे भाई, आए हैं मुंबई से, कब आए भाई आप? सुबह बेटा रात आया था बेटा, अच्छा फिर सुबह चले गए तो ऑफिस, सुबह सुबह पाई चले गए तो ऑफिस। भाई चांद कब आ रहा है? अभी तो कोलकाता में आया भाई, न्यूज देख रहे हैं, यहाँ नहीं आया अभी कोलकाता में आया, कोलकाता में, अरे यहाँ आ गया, अरे नहीं आया भाई, क्या करना है अभी? अभी पूजा करनी है, आ जाओ। अब तेरी कहाँ है, मेरी है, रुक जाओ पूजा करने दो, नहीं थी वो तो ले गई है, नहीं मैंने लेकर गई थी, मैं तो यहीं रख दी थी, फिर खो दिया ना एंड टाइम पे, ममता आंटी फिर रख गई होगी ना, हाँ ममता आंटी बहुत जल्दी रखे सामान इधर से उधर। तू क्यों बैठी है, तू क्या इतना इंटरेस्ट ले रही है? मैं देखू नहीं क्या हो रहा है, क्या तेरी शादी तो एक साल बाद है ना, मिल गई जो किधर मिली है, मंदिर में थी, तू नहीं रखी होगी ना, नहीं तो देख, नहीं मैंने नहीं रखी, ममता दी ने रख दी होगी। चलो मम्मो करो स्टार्ट, अब तो अब ये पूजा हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे दोनों चीज ले लो, पकड़ लेना एक हाथ में ये, एक हाथ जैसे मैं पकड़ो ना, ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे नीचे, हाँ नीचे नीचे ही, अच्छा ऐसे, अब ऐसा ये चक्कर हो गया, एक दो और
तीन चार पाँच छ गाइस पापा न्यूज़ देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सब जगह निकल गया, कोलकाता भी निकल गया, चेन्नई भी निकल गया, पता नहीं दिल्ली में नहीं निकला, या हो सकता है निकल भी गया, पॉल्यूशन इतना है दिखाई ना दे रहा हो। मुझे अब इन दोनों का ऐसे नहीं देखा जा रहा क्योंकि सुबह से भूखी है यार बहुत ज़्यादा। आया छोटे नहीं आया अभी भी चांद ये किसी और चीज़ से ऊपर गया था। रिक्की यहाँ इन दोनों को चिड़ा चिड़ा के खा रहा है खाना। चिड़ रहे हो? कुछ तो इलाज करो मम्मी इसका। तू भी चिड़ रही। अगर गोलगप्पे होते तो फिर चिड़ते, मतलब मैं तो चिड़ गया। अच्छा लगा? कुछ अलग बात है। गोलगप्पे खाओगे नहीं तो घुमा ले जाओ। तो अभी अभी हमारे गुप्त क्या बोलते हैं गुप्त सूचिए ने अभी खबर दी है कि चांद निकल गया है। चलो भाई चलो हम यही करना पड़ेगा। चांद आ गया, चांद आ गया। कहाँ है चांद? अरे चांद मुझे तो दिख ही नहीं रहा बीबी। वो तो रहा सामने। कहाँ है? ओ तो यहाँ पर खड़ी हो गया। कहाँ है? ये चावल खोल अपने हाथ में ले लिया अभी ने। ले ऐसे ऐसे खोल ले। तो अरे खोल दिया लकी, खोल दे इसे जरा। खोलेगा लक्ष्मी डराओ मेरे हाथ में ले ले। क्या करना है अभी बता? तुम्हें कुछ नहीं करना। रुक जा रुक जा कुछ करी मत पहले मम्मी बताएंगी। अभी तो पहले तू ही कर दे दिया तुझे ही दे। पहले आप करो, पहले आप करो। नहीं बीच में देखो ना ना करते रहो तू। इधर पहले ऐसे चांद में ये ऐसा छोड़ते हैं। दो तीन चार पाँच छः छः सात और ये सात। अब जल चन्नी का क्या लाइट अच्छी पड़ रही है। चन्नी दे दे चन्नी दे दे ये बड़ी वाली थाली वाली। हो गया। मिठाई खिलाओ ले रहने दो छोटे ले। थोड़ा सा पानी यही पिलाएगा लकी पहले तुझे। अच्छा इससे पिलाना, इसमें ले ले, इसमें ले ले, ये अच्छी लगेगी। बस 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 थोड़ा लकी। तो अब नीतू को पानी मैं ही पिलाऊंगा। रुक जाओ मैं पकड़ूं? नहीं क्यों पहनी फिर इतनी भारी। देख भाई देख मैं पिलवा रहा हूं। पी लिया पानी? मुझे काला वाला खिलाओ पहले। फाइनली वो टाइम आ गया जिसका नीतू को कब से इंतजार था। इसको देखो पागल को। अरे बड़े एनर्जी आ गई तेरे में तो। अरे खाने वाली थाली देना, इसमें थोड़ी खाएगी। भाई स्नैप पे आप में जल्दी कैसे है? अरे है पता आज है यार, वही तो स्पेशल पावर्स होती हैं। खीर पीर सब ले आना। खीर पीर सब सब्जी होगी वाली सब्जी भी दे दे। अगर खीर नहीं है तो मैं भाभी के लिए अभी बनवाऊंगा, अगर भाभी को खानी है तो। अच्छा जी खुद भी बना देगा? हां हां क्यों भाई अंगूर खुद ही बना दूंगा। सुधर जा सुधर। खाने में देखते हैं क्या बनाया है हमारे बहादुर भाई ने। वो एकदम नॉर्मल खाना। ये थोड़ा हटा देता। थोड़ा नहीं पूरा हटाऊंगा यार, थोड़े से तो कुछ नहीं हटेगा। पूरा हटाऊं थोड़ा हटाऊं? पूरा हटा। पूरा तो तुमने पहले थोड़ा क्यों बोला? तुम्हारे में रखा जा रहा है फर्स्ट।
नहीं नेपाल में नहीं होता है। नहीं होता है? अरे नहीं होता नेपाल में भाई, अंकल नहीं करते ना। बहादुर भैया अगर होता तो भी बहादुर थोड़ी करते, बहादुर की वाइफ करती। लगन हाँ मैंने नथ उतार दिए, अब आराम लग रहा होगा तेरे को ना। उस नथ में बड़ा अच्छा लगता है यार। आजा चल आजा खा ले खाना लगा। भाई और बम्मू भी आ गए और नीतू पहले लगा रही है भोग, उसके बाद फिर खाना खाएगी। जल्दी से लगा भाई, मुझे बेताबी है तेरे को खाना खिलाने की। जल्दी से हाँ, तूने कुछ खाया नहीं सारा दिन खाता रहा है। अरे मैं इसको खिलाने की भाई, तो तू तो खाता रहा है ना सारा। तो अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, क्यों खाया फिर? क्यों नहीं खाया? मिली सेवैया? हाँ सेवैया कैसे बनती है? मम्मी को सेवैया पसंद भी नहीं। मैंने सुबह कुछ नहीं खाया। लग गया भोग? कचौड़ी खा लूँ, खाऊ मैं। लग गया? लगा रही हूँ। मेरे से तो नीतू खाएगी। नीतू ये है अब नीतू के डेजर्ट खाने के बाद। खा जा कोई नहीं, अपना भी खाना ओवर हो गया। अब जाके पैकिंग करनी है क्योंकि कल सुबह हम लोग जा रहे लखनऊ मेटा की तरफ से, और सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। एक तो रात आज लेट हो जाएंगे, फिर सुबह जल्दी और उठना है। कैसे हो पाएगा मैनेज यार? क्या कह रही हो, जाती सो जाए? और वो हमारा बैग कौन लगाएगा? तो पहले क्यों ना लगाया? पहले ना लगा, ना लगाया तो पहले लगाना चाहिए। अब तू लगेगा नहीं तो सोएगी इसका तो। डन, अब आशीर्वाद। आज ना पहला वो रखा है, पहली बार इसको हमने आशीर्वाद दिया है। हाँ, ये सदा खुश रहे, ऐसी हंसती रहे, खिलखिलाती रहे, ऐसी प्यारी सी। पहला व्रत अच्छा था, मगर अच्छा क्योंकि बहुत डर लग रहा था, लेकिन अच्छा गया। बढ़िया एकदम, चल बता गया। सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। थैंक यू, चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय गाइस, बाय।